बॉलीवुड कितना फेमस है ये तो बताने की जरूरत नहीं। आए दिन हिंदी सिनेमा अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ता बनाता रहता है। दुनिया भर में मशहूर हैं हमारे बॉलीवुड एक्टर्स, लेकिन इस फिल्मी दुनिया के बारे में कुछ ऐसी मजेदार बातें हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। श्रीदेवी, संजय दत्त, ऋतिक रोशन जैसे दिग्गज कलाकारों के बारे में हम आपको बताते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें। वहीदा रहमान ने अमिताभ बच्चन के साथ उनकी माँ और प्रेमिका दोनों के रोल निभाए हैं। वहीदा ने साल 1976 में आई फिल्म अदालत में अमिताभ बच्चन की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी और 1978 में आई त्रिशूल में वो बिग बी की माँ बनी थी। आमिर खान की फिल्म लगान हिंदी सिनेमा के इतिहास की पहली और एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें एक साथ इतने ब्रिटिश कलाकारों ने काम किया। सुनील दत्त पहले मुंबई के एक रेडियो स्टेशन में काम करते थे, जहां उन्हें एक बार नरगिस का इंटरव्यू लेने का मौका मिला, लेकिन सुनील दत्त नरगिस को देखकर एक शब्द भी नहीं बोल पाए और इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ा। बाद में 1957 में जब दोनों ने एक साथ काम किया तो उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार का दूसरा या अंतिम भाग पहले शूट किया गया था, क्योंकि फिल्म निर्देशक उनके बालों की स्टाइल को प्रभावित नहीं करना चाहते थे। अनिल कपूर जब मुंबई आए थे तो वो परिवार के साथ गैरेज में रहते थे और कुछ समय बाद वहां से मुंबई के एक सामान्य से मध्यम वर्गीय घर में रहने चले गए। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें एक नहीं बल्कि दो इंटरवल थे। श्रीदेवी ने मात्र 13 साल की उम्र में एक तमिल फिल्म में रजनीकांत की सौतेली माँ का किरदार निभाया था। फिल्म मुगले आजम 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और तमिल में बनाई गई थी, जिसमें तमिल फिल्म बुरी तरह से फेल हो गई थी, वही अंग्रेजी वर्जन भी कुछ खास नहीं चला। ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है को साल 2002 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीतने के लिए शामिल किया गया था। इस फिल्म को कुल 92 पुरस्कार मिले थे। ऋतिक रोशन का असली पूरा नाम ऋतिक नागराथ है, ना कि रोशन। आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी द राइजिंग न्यूज़ के साथ। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द राइजिंग न्यूज़ और लॉग ऑन करें www.therisingnews.com पर। धन्यवाद।